मैं सुषमा आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पहले की रेसिपी की तरह पसंद आए। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल फ्राई करने के लिए, क्योंकि कटहल को हम फ्राई करेंगे। और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पे जब तक गर्म हो रहा है, तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम लिया है यहाँ पे मैंने कटहल यानी जैक फ्रूट, और इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और काट लिया है। तो थोड़े थोड़े बैचेस में हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, एक अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए कितने बढ़िया से ये फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब मैं निकाल लेती हूँ, जलाना नहीं है, बस इनको हमें फ्राई करना है अच्छे से, ताकि ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाए सब्ज़ी और गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ जो है, कटहल जो है, फ्राई करूँगी। तब तक जब तक कटहल फ्राई हो रहा है, तब तक मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ 3 मीडियम साइज़ का मैंने ये प्याज लिया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे लिया है मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच लिया है मैंने अदरक। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालते हुए एक पेस्ट यहाँ पे एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो चलिए मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए एकदम मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है इसको, तो इसको साइड में रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने कटहल भी जो है सारा फ्राई कर लिया है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने सरसों के तेल लिया है, वही तेल है जिसमें हमने कटहल को फ्राई किया था, वो बच गया था तो उसको मैंने कम कर लिया। और इसी को मैंने, तो अब ये कढ़ाई में मसाला डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो यहाँ मसाले को जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा भुनेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो निकल जाए। तो चलिए इसमें करते हैं कुछ मसाले ऐड। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, इसी के साथ 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, कलर के लिए डाला जाता है, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। 1/2 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ यहाँ पे चिकन मसाला। अगर चिकन मसाला है तो आप डालें, वरना अवॉइड कर सकते हैं। और स्वाद के अनुसार डालूँगी यहाँ पर नमक। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए जैसे ही मसाला मिक्स करेंगे, वैसे ही कितना बढ़िया इसमें कलर आ जाता है। तो यहाँ मैंने मसाले को कर लिया है अच्छे से मिक्स। तो अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी, जब तक कि मसाला अच्छे से पक ना जाए। तो लगभग 5 मिनट लगेगा, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए मसाला जो है बढ़िया से पक गया है, तेल ऊपर आ चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। एक बार कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे अब जो मैंने कटहल फ्राई करके रखा था, वो मैं सारा इसमें डाल दूंगी और इसको भी कर लेंगे यहाँ पे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए मसालों में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया ये सब्जी लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने इसको मिक्स कर लिया, और अब यहाँ इसको मैं ढक के पकाऊंगी। लगभग मैं इसको 10 मिनट ढक के पकाऊंगी, जब तक कि जो है अच्छे से इसमें ये गल ना जाए। तो इसमें मैं 2 बड़े चम्मच पानी डाल रही हूँ, ताकि जो मसाला है धीमी आंच से पकते पकते जल ना जाए। तो थोड़ा सा पानी, लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पानी मिला लिया मैंने, और मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा इसको मिला लिया है। अब ढक के इसको मैंने 10 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है, ताकि जो कटहल है वो गल जाए अच्छे तरीके से। अब 10 मिनट देखिए हो चुका है, और जब मैंने इसको देखा तो ये अच्छे से गल चुका था। अब इसमें मैं लगभग 1 गिलास से करीब पानी डालूंगी, और इसको अब पकाएंगे, ढक के ही पकाएंगे। तो यहाँ मैं 1 गिलास से करीब पानी डाल दिया है। तो यहाँ पानी में डाल चुकी हूँ, और अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी। आप चाहें तो इसको सूखा ही वैसे खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो 5 मिनट में ढक के इसको पका लिया है, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है, सब्जी जो है बनके तैयार है। एक देख लेते हैं पीस गला है कि नहीं। तो ये अच्छे से कट रहा है, तो इसका मतलब ये गल चुका है, आप देख सकते हैं। तो गैस को बंद करते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, एकदम मसाला जो है इसका बढ़िया से पका है, सब्जी भी बहुत बढ़िया से पकी है। बहुत ही बढ़िया सब्जी लगती है खाने में, नॉनवेज को भी फेल करती है, इतनी टेस्टी होती है। तो एक बार आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी थिक बनी है। आप चाहें तो ग्रेवी को और पतला भी कर सकते हैं, लेकिन इतना इनफ होता है। तो यहाँ मैंने इसको सर्व कर लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें सोशल मीडिया पे और अपने फैमिली मेम्बर्स पे। थैंक यू।